कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा है एंड आई हैव स्टेड एट अ प्रॉपर्टी कॉल्ड लड़कियां मिलके यहाँ पे काम करते हैं। आपको पैलेस, आप लद्दाख घूमने के लिए आए और आप लद्दाख घूमते घूमते आप बल्तिस्तान पहुंचे। यू आर इन बल्तिस्तान राइट नाउ। घर को राजा तुराब खान ने 16 सेंचुरी में समर की दो महीनों के लिए बनवाया था। हवेली तो कश्मीर है जिसमें लद्दाख और बल्तिस्तान भी आता है। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। करीबन 2000 साल राज की, पहले हम मेरे ही डायनेस्टी तजाकिस्तान वेस्टर्न तुर्कस्तान पर शादियां की थी। दो शादियां बता दी तो आप बुरा ना माने, मैं से पूछ रही हूँ कि आपकी जो दोनों बीवियां हैं वो आपके साथ ही रहती हैं या फिर अलग अलग आप लोग रहते, पहले से बात नहीं होता? क्योंकि कई जगह मैं देखती हूँ कि पहले बीवी से बात नहीं है या फिर ऐसा, कई दफा साथ होते हैं, आप जरा ये बता देना हमें। आपने बहुत मुश्किल सवाल मुझे पूछा। हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू मस्तानी मुसाफिर ट्रैवल एक्सप्रेस एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो फ्रॉम लद्दाख। आई एम तुलिका आनंद और आज मैं हूँ इतने प्यारे से विलेज में तुरतुक। तुरतुक पर पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, ऑल द लिंक्स ऑफ दोज वीडियोस आर मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आप देख लेना आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। लेकिन आज मैं आपको एक दूसरे तुरतुक से मिलवाने वाली हूँ। अगर तुरतुक की बात करें तो तुरतुक जो गाँव है दो पार्ट में डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज़ फरोल एंड द सेकेंड इज़ इयोल। ये जो आपको दिख रहा है नज़ारा, पहाड़, आसमान, ग्रीनरी, आपको ऐसा लगेगा यू आर अबाउट नेचुरल ब्यूटी, आप एकदम नेचर के बीच में हो। सो दिस पार्ट इज फरोल, बहुत प्यारा है ना। लेकिन आज मैं आपको मिलवाऊंगी इयोल से। द सेकेंड पार्ट इज इयोल, जहाँ पर आपको पुराने पुराने घर, पतली पतली गलियाँ और तो और वहाँ पर राजा, द किंग लिव्स देयर। यहाँ पर बल्ती में राजा को बोलते हैं काचो, तो आज मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी। चलते हैं इयोल की तरफ, पूरा तुरतुक आपको मैं घुमाने वाली हूँ। तुरतुक से जो वीडियो आएगा, बहुत सारे वीडियोस आएंगे, लेकिन बेसिकली एंटायर तुरतुक का मैं दो वीडियो बनाऊंगी। वन इज इयोल जहाँ हम आज जा रहे हैं और एक होगा फरोल। आप देखना, यहाँ पर रहने के लिए आपको बहुत सारे होटल्स नहीं मिलेंगे। होम स्टे का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है एंड आई हैव स्टेड एट अ प्रॉपर्टी कॉल्ड इसू होम स्टे, जहाँ पर मैं हमेशा रुकती हूँ और वो जगह मुझे इतना प्यारा लगता है। तो आप वहाँ भी रुक सकते हो या फिर आप देख लेना, आप जहाँ भी रुकने वाले हो आप देख सकते हो लोकलाइज। हर घर में खेती, फार्मिंग, बगाना। अस्सलाम वालेकुम आंटी, बहुत खुश लग रही है, अल्लाह आपको अच्छी सेहत दे, है ना। तो लोग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लविंग है। और चलते हैं आज इयोल की तरफ, वहाँ घूमेंगे, वहाँ का नज़ारा दिखाऊंगी। मुझे यहाँ पर मुझे तुरतुक में, मैं अभी योल जा रही थी एंड आई फाउंड दिस प्लेस, जो आप देख सकते हो गार्डन जैसा एरिया है, टेबल चेयर यहाँ पर है एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू सी कि यहाँ पर देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ लेडीज़ जो अपना कैफ़े रन करते हैं एंड जस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, गांव की औरत को एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। हम 19 लड़कियाँ मिल के यहाँ पर काम करते हैं, ये कैफे खोला है, एक दूसरे से हेल्प भी करते हैं, गाँव की सफाई भराई वगैरह भी करते हैं। हमें यहाँ पे लोकल खाने भी मिलते हैं, आप लोग खाए तो। कपड़ा, ये कपड़ा बस्ती ड्रेस है हमारी, अच्छा बस्ती ड्रेस हमें शादी वादी में खाँचे में भी पहनते हैं, यही हम यूज़ करते हैं, आप लोग भी आके पहन सकते। अच्छा खासा दम फुल रहा है, ये आपको दिख रहा है ना पतली पतली गलियाँ। वो ब्रिज क्रॉस, वो ब्रिज क्रॉस करने के बाद वी हैव एंटर्ड इयोल। जैसा मैंने बताया था, इयोल इज ऑल अबाउट पतली पतली गली, पुराने पुराने घर। लेकिन एक साल के बाद आने पर व्हाट आई कैन फील इज कि बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं ना बच्चा, बहुत सारे घर बन रहे हैं ना। देखो ये बच्ची भी कह रही है, आप कहाँ रहते हो? इस घर में। हम चलते हैं आगे, जो भी मुझे मिलेगा वो मैं आपको दिखाऊंगी।
आई रिमेम्बर जब मैं लास्ट टाइम आई थी ना, ये मस्जिद उस टाइम अंडर कंस्ट्रक्शन था, अभी अच्छा खासा बन गया। बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत चीज़ें बन रही हैं, बहुत सारे होम स्टेज बन रहे हैं। हेलो, आज यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा कम दिख रहा है। आज मंडे हैं तो मेरा ख्याल है बच्चे स्कूल गए होंगे, अदरवाइज ये पूरा गांव बच्चों से औरतों से पूरा भरा हुआ रहता है, बहुत अच्छा लगता है। और जो म्यूज़ियम जाना है दैट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड, जैसे आप ब्रिज क्रॉस करेंगे तो हर जगह आपको मेंशन रहेगा, यगबो पैलेस, किसी से पूछोगे कांचो, क्योंकि यहाँ के लैंग्वेज मेकिंग को कांचो बोलते हैं, सो एनीबॉडी कैन गाइड यू, आपको पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बात करते करते हम आ गए पैलेस, मैं आपको दिखाती हूँ। आ गई हूँ मैं पैलेस के अंदर। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन जो भी है अंदर बहुत खास है, जो मैं आपको दिखाऊंगी पुराने जमाने का है, ओल्ड वर्ल्ड चार्म आपको मिलेगा। और टाइमिंग आपने क्या बताया बहन? सुबह 9 बजे से 9 to 6 इसकी टाइमिंग है एंड एंट्री टिकट इज 100 रुपीज एंड देन यू कैन गो इनसाइड। नमस्ते, वेलकम टू यगबो पैलेस। आप लद्दाख घूमने के लिए आए और आप लद्दाख घूमते घूमते आप बल्तिस्तान पहुंचे। यू आर इन बल्तिस्तान राइट नाउ। हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशंस, वी स्पोक बल्ती लैंग्वेज, हमारा सब कुछ बल्तिस्तानी है। इस घर को राजा तुराब खान ने 16 सेंचुरी में समर की 2 महीनों के लिए बनवाया था। हवेली को 3 सेक्शन में बनाया गया था, सब नीचे खाना बनाने वाले लोग, फैमिली सेक्शन ऊपर, गेस्ट सेक्शन। ठीक है, अभी आप गेस्ट सेक्शन में जाएंगे। तो दिस इज रियल हॉर्न एंड स्कल ऑफ आइबेक्स। आइबेक्स एक पहाड़ी हिरन होता है जो इन पहाड़ियों में पाया जाता है, उसका ये रियल हॉर्न और स्कल है। बल्कि लोग इसको गुड विशेस या वेलकम के लगा जाती है। इसके ऊपर जो रिंग्स आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ये इसका उम्र बताता है। हर साल इसको 2-2 रिंग्स आते थे जब ये जिंदा होता था। रिंग्स इसको उम्र बताएंगे कितने साल का है, कितने साल तक जिंदा रहा हो। ऊपर जो सीलिंग्स है वो रोज वुड को इंटरलॉक करके बनाया जाता है, इसको खत्म बंद बोलता है। ये बल्तिस्तानी खत्म बंद है, रोज वुड को इंटरलॉक करके बनाया गया। तो जब 1947 से लेकर 1971 तक तो पीओके में थे, तो पाकिस्तानी आर्मी ने इस घर को छावनी जैसे बनवाया था, वो पार्ट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जम्मू एंड कश्मीर का मैप है जो अंग्रेज़ों ने बनवाया। ये अंग्रेज़ों ने बनवाया कश्मीर है जिसमें लद्दाख और बल्तिस्तान भी आता है। नाम जम्मू एंड कश्मीर का था इसमें, मगर लद्दाख और बल्तिस्तान भी आता है। इसमें जो ग्रीन जो पार्ट इस मैप में आपको नजर आ रही है, ये जो पार्ट अभी कहाँ पे है पाकिस्तान में आपको पता होगा, इसको हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसको नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं और इसको गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं। इसका जो नाम है गिलगित बल्तिस्तान है एक्चुअली। रेड जो पार्ट इस मैप में, ये पार्ट चाइना में, इसको हम बोलते हैं अक्साई चीन। रेस्ट ऑफ 55% ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन आवर इंडिया एंड वी आर हियर इन तुरतुक। तुरतुक एक ब्लॉक है। तुरतुक में 4 विलेजेस आता है, तुरतुक, चुलुंखा, टैक्सी और थांग। थांग तुरतुक का लास्ट पॉइंट है जहाँ आप लोग गया होगा और हम यहाँ पे तुरतुक। सो तुरतुक, द वर्ड तुरतुक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम दुकतुक। तुरतुक दुकतुक से निकलता है कहते हैं, विच मीन्स स्टे हियर। यहाँ से 4 रास्ते निकलते थे और राजा ने टैक्स लेना होता था। टैक्स कलेक्ट करने के लिए राजा तुराब खान ने छोटे से घर को तुरतुक बनवाया। यहाँ से 4 रास्ते, आप यहाँ से हो ना ले से आप खरदोला, खलसा, डिस्किट, हुंदार होकर आप तुरतुक पहुँचे हो। पहले ज़माने में सेम रूट जाते थे, अब लेह 4-5 दिनों में पहुँचते थे। लेह से आप टेबट भी जाते हैं, नज़र आ रही है। इनमें भी प्रेशियस स्टोन्स लगी हुई थी जो कारीगरी आप देख सकते हो। ये ग्रेन स्टोरेज, अनाज बना चाहिए इसमें निकल के यूज़ किया जाता था। ये भी पत्थर का, ये पत्थर का, ये पत्थर का, ये सिल्वर पत्थर का, आप इसकी दुकान आप देख सकते हो। ये सारा सिल्वर कॉपर के लिए इनको समावार बोलते हैं। सारा समावार है, बल्तिस्तानी समावार, इतना खास आप देख सकते हो। तो ये किचन, दिस इज द म्यूजियम जो आप मेरे पीछे देख सकते हो। पहले ये राजमहल हुआ करता था लेकिन आज ये म्यूजियम है फॉर पीपल, टूरिस्ट के लिए जो बाहर से आते हैं। और मैं आपको मिलाऊंगी यहाँ पर कांचों से
राजा से राजा को बल्ती में काचो बोलते हैं। राजशाही अब नहीं है, प्रिंस तुंग के डायनेस्टी से हैं, इसलिए इन्हें राजा काचो के नाम से बोलते हैं। और ये है यब्बो। सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। मैं इनसे मिलने के लिए आई हूँ और आज इनसे बातें करूँगी, देखती हूँ ये क्या क्या बताते हैं और हमें क्या क्या जानने को मिलता है। आप मुझे अपने बारे में बताएंगे? यब्बो डायनेस्टी का फर्द हूँ। जो मेरे ही डायनेस्टी ने, यब्बो डायनेस्टी ने करीबन 2000 साल राज की। पहले हम, मेरे ही डायनेस्टी तजाकिस्तान, वेस्टर्न तुर्कस्तान पर राज करते थे। फिर एक ताकतवर राजा बेग मंथल ने बल्तिस्तान पर हमला किया, अटैक किया 800 AD में, और बल्तिस्तान आके वो बैठ गए। तब से मेरे ही डायनेस्टी बल्तिस्तान पर राज करते रहे। ये दुर्गा भोज की लद्दाख पर हमला तक जारी बता सकते हैं, क्योंकि जब पार्टीशन की बात करती हूँ या 1971 के बाद तुर्तुक जो है वो इंडिया का पार्ट हो गया, तो आपके आज भी कोई रिश्तेदार या फिर लोग जो वहाँ रहते हो, क्या आपकी बात होती है उनसे? और आपके कितने भाई हैं, या फिर आपके फैमिली में भी ऐसा हुआ है जो कुछ इस पार आ गए हो जो कुछ उस पार रह गए हो? जी, मेरे बहुत से रिश्तेदार पाकिस्तानी स्कॉट हैं। खासकर मेरे दो बहन के बच्चे वहाँ पर रहते हैं, और मेरे ये दो ब्रांच कजन्स जो मैं यब्बो खानदान के खपुल में जो हमारे राजशाही रहता है, उनके फैमिली भी इस वक्त पाकिस्तान में रहते हैं। बोलता उनसे बातें तो होते हैं, किसी से होते हैं, किसी से नहीं होते हैं। तो ये बातें होने से इंसान का जो व्हाट्सएप पे फोन पे बात होते हैं, इनका किसी इंसान का दिल नहीं भरता है। अब अलबत्ता जो ये ड्वाइट जो पार्टीशन या पार्टीशन हुआ, इसके वजह से हमारी दो फैमिली में बंटवारा हुआ। मैं पहले भी आपसे मिली थी, लेकिन वो वीडियो गलती से वो मुझसे डिलीट हो गया। तो जैसे आप बताए करते हैं कि आपके वालदैन भी हैं जो नहीं चाहते थे कि आप ज़्यादा पढ़ाई करें, आप अपना कुछ करें, इस तरीके से आज के यंगस्टर्स को, हम लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे? जो है, मेरा जो टाइम था उस ज़माने में कुछ अलग तरीका था। तो मैंने पढ़ाई की, थोड़ा पढ़ाई की, उसके बाद मेरे पापा ने आगे पढ़ाई कर, आगे पढ़ने के लिए आगे स्कूल में या कॉलेज में नहीं भेजा। पापा ने कहा कि आपके को नौकरी नहीं करना है, जॉब नहीं करना है, आप आगे नहीं पढ़ सकते। आपको जितना आपने पढ़ाया है, जो आप, मैंने आपको पढ़ाया है क्योंकि लोगों से अच्छी तरह बात कर सकें, लोगों की बात समझ सकें, इतना तक आपको पढ़ना है। तो पढ़ाई ख़त्म करने के बाद तो यहाँ ना कोई यहाँ पे ऐसे घूमने के जगह थे, या कोई यहाँ पे पिक्चर वगैरह कोई चीज़ की तहरीक को कोई चीज़ नहीं था। तो मैंने किताबों का सहारा लिया, मैंने बहुत सी हिस्ट्री की किताबें पढ़ी। मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र करता हूँ, अल्लाह ताला का मैं बहुत बहुत एहसानमंद हूँ। और मैं अल्लाह ताला से मैं हमेशा ये कहता हूँ, ऐ परवरदिगार, मुझे मेरे हाथ लेने वाले हाथ मत बना, मेरे हाथ देने वाले हाथ बना। ऐ परवरदिगार, मेरा हाथ हमेशा ऊपर रख, मेरा हाथ नीचे नहीं बना। मुझे इतना अमीर न बना जिससे आपको भूल जाऊं, मुझे इतना गरीब भी न बना जिसके आप मैं इसी अपने कारोबार में लगा कर ला कर आपको भूल जाऊं, मुझे दरमियाने अवसर न रख, मैं हमेशा दुआ करता हूं। बताएं कि तुर्तुक को आपने बदलते हुए देखा होगा, अभी तुर्तुक में कितने सारे बदलाव आ गए? तुर्तुक में बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। जो पहले जो ज़माना था, जो मैंने हर दौर देखा है, राजगी ख़त्म हो चुकी थी, फिर भी जो मेरा पापा था, दादा था, वो एक राजा के हैसियत से देखते थे। अलबत्त उनकी राजगी ख़त्म हो चुकी थी, तो वो दौर भी मैंने देखा है। उसके बाद जिस राजगी ख़त्म हुए और उस पर परेशानियाँ भी आई, वो दौर भी मैंने देखा है। तो इस वक्त जो दौर है, वो टाइम भी देखा है, बहुत इससे बदलाव आ चुका है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला का ये ज़माना, अल्लाह ताला इसको चलाता है, अल्लाह ताला की एक कारसाज है। तो हमको ज़माने को हमारे साथ नहीं चलाना है, हम खुद ज़माने के साथ चलना है, इसलिए मैं ज़माने के साथ चलने को मैं सीख लिया है। आप बहुत अच्छे तरीके से बताएं, और आपके कितने बच्चे हैं?
मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक लड़का है, मैंने दो ही शादियाँ की थी। पहली वाली बीवी से मेरा दो लड़की हैं, बाद वाली बीवी से मेरे एक लड़का, चार लड़कियां हैं जी। अब आपने जब दो शादियां बता दी तो आप बुरा ना माने, मैं से पूछ रही हूँ कि आपकी जो दोनों बीवियां हैं वो आपके साथ ही रहती हैं या फिर अलग अलग आप लोग रहते, पहले से बात नहीं होता? क्योंकि कई जगह मैं देखती हूँ कि पहले बीवी से बात नहीं है या फिर ऐसा, कई दफ़ा साथ होते हैं। आप ज़रा ये बता देना हमें, बड़ा अच्छा लगेगा जानकर। आपने बहुत मुश्किल सवाल मुझे पूछा। तो मैं पहली वाली बीवी से साथ नहीं हूँ, मैं छोटी वाली बीवी के साथ रहता हूँ जी। आपको दिल से शुक्रिया है, काफ़ी वक्त दिया। वक्त के साथ साथ इन्होंने बहुत तरीके से अच्छे से बताया हमें, इसके लिए आपको शुक्रिया। जो देख रहे हैं उनकी तरफ से भी शुक्रिया। और ये जो आपके म्यूजियम में ये जो सारा लगा हुआ है, जो भी है, ये ओरिजिनल है सारा? यहाँ पे सब चीज ओरिजिनल है। तो ये यहाँ पे जो है म्यूजियम, तो ये मैंने 2010 से टूरिस्ट के लिए खोला। तो यहाँ पे सामान मैंने नहीं रखा था, 2010 में शुरू महल को देख के टूरिस्ट चले जाते थे। उसके बाद 2015 या 16 में, 2017 या 18 में कुछ ऐसे टूरिस्ट आए, उन्होंने कहा आप ऐसे राजा की फैमिली से हैं तो आपका यहाँ पर जो पुराना सामान आपके साथ हैं तो उनको रखेगा, तो हम साथ में उसको भी देखेंगे। तब ने मैंने यहाँ पर सामान रखी, तब से इसका नाम म्यूजियम पड़ गया। एक्चुअली लोग पहले प्लेस करके आते थे, महल करके आते थे, तब से इसका नाम म्यूजियम पड़ गया जी। बाद में रखा मैंने 2018 से रखा जी। हाँ जी, तो 18 से ये म्यूजियम बन गया लोगों को राजा का टाइम का हर चीज का देखने के लिए। जी जी जी, आपको दिल से शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। यहाँ पर ये जो कपड़ा दिख रहा है ना, आई वाज शॉक टू नो कि ये चांदी के धागे से स्टिच किया हुआ है कि गर्मी में ठंडक दे। अगर आप अच्छे तरीके से पूरा म्यूजियम का अगर आप सैर करेंगे तो इट विल टेक नियरली अराउंड घंटा डेढ़ घंटा आपको लगेगा और आप बहुत अच्छे तरीके से टूर कर सकते हो। एंट्री फी वाज जस्ट 100। मैं इसलिए 100 बोल रही हूँ क्योंकि जिस तरीके से जितने अच्छे से यहाँ पर बताया जाता है वो बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब आप कांचों से मिलकर सब कुछ जानना और साथ में जो भाई को आपने देखा, ही वॉज एक्सप्लेनिंग लाइक एनीथिंग बहुत अच्छी तरीके से। तो मुझे लगता है कि जब आप तुरतुक आओ, फरोल के साथ साथ योल भी आओ। योल में कुछ बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि पतले पतले घर, पुराने पुराने घर, पतली पतली गलियाँ, लेकिन यस दिस इज़ वन गुड प्लेस आई फाउंड। और म्यूजियम के नाम पर मैं एक और बता दूं कि आजकल जैसे रश बढ़ रहा है, क्राउड बढ़ रहा है, तो बहुत लोग हैं अपने घरों को छोटे छोटे म्यूजियम के नाम पर बता देते हैं। कुछ कुछ वाकई में अच्छे म्यूजियम है देखने को, लेकिन आप यहाँ पर आना, म्यूजियम के नाम पर आपको बहुत अच्छी तरीके से यू विल गेट टू फील ओल्ड वर्ल्ड चार्म आपको यहाँ पर आएगा। सो मेक श्योर व्हेन यू विजिट तुरतुक, कितना भी हड़बड़ हो, एक घंटा निकालना, इस जगह ज़रूर आना।